देवास जिला पटवारी संघ ने किया अनोखा प्रदर्शन। शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली चुनरी यात्रा। सरकार के रवैये से परेशान होकर माता के दरबार में चुनरी लेकर पहुंचे सभी पटवारी। पिछले 15 सालों से सरकार हमें आश्वासन ही देती आ रही है, आज तक हमारे वेतन वृद्धि की मांग को उसने पूरा नहीं किया। अब हम इन लोग की घोषणाओं से त्रस्त हो चुके हैं। अब प्रदेश का पटवारी किसी भी बहकावे में नहीं आएगा और अपनी हड़ताल अपनी मांग पूरी नहीं होने तक करता रहेगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में सरकार इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहे। KKR न्यूज के लिए देवास से डॉक्टर रईस कुरैशी की रिपोर्ट। सर बताइए, ये कैसा अनोखा प्रदर्शन है? क्या मांगे आपकी? आप लोग कौन है? देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के पटवारी आज सुबह हड़ताल पर है। 28 तारीख से हमारे वेतन मान के संबंध में हड़ताल चल रही है और आज 15 बजे प्रदर्शन कर रही है। पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग तरह के नवाचार हो रहे हैं। इस बार हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से माँ राजराजेश्वरी के माध्यम से अर्जी लगाने के लिए जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी नहीं सुन लेकिन हमारी माँ की अर्जी अवश्य सुने और हमारी तुरंत प्रदेश के सारे पटवारी इकट्ठा होकर भोपाल में पहुंचे थे। हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी भावना व्यक्त की थी और अपनी मांग रखी थी। क्या हुआ था, क्या बोले थे? देखिए, पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश पटवारी संघ अपने वेतन मान को संबंध माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अलग अलग तरह से जो अर्जी लगा चुका है, कोई मंत्री सांसद विधायक ऐसा नहीं जिसके बाद हमने वेतन मान के संबंध में अपनी अर्जी नहीं लगाई हो। हमने बार बार निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय को बुला करके कहा कि इस बार मैं तुम्हारी मांग को पूरी करूंगा, लेकिन हम इंतजार कर करके थक गए और अब जो है चूंकि चुनाव सिर पर है, आचार संहिता लगने वाली है, पूरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को बुला रहे हैं लेकिन हमको नहीं बुला रहे, इसलिए मजबूरी में हमने हड़ताल का कदम उठाया। मतलब केवल घोषणा ही रह गई? हाँ, अभी तक इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2007 में चुनाव संबंध में 15 साल पहले हमारे वेतनमान के संबंध में घोषणा करी थी, लेकिन 15 साल हो गए आज तक वो घोषणा ही है और हर बार वो हमको आश्वासन देकर के हमारी हड़ताल तोड़वा देते हैं। इस बार हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि इस बार पटवारी आर पार के मूड में और हर हालत में अपनी मांग को पूरी करवा करके, अगर नहीं मानी उन्होंने मांग तो अगला स्टेप क्या है? देखिए, चूंकि हम लोग हड़ताल में आंदोलन में, आप देख रहे हैं चुनाव सिर पर है, ये आप जानते हैं कि पटवारी गाँव गरीब मजदूर किसान के बीच काम करने वाला कर्मचारी है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो कहने के चुनाव में इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। क्या लगता है आपकी मांग मानी जाएगी? हाँ, देखिए, हमको विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय चूंकि कर्मचारी हितैषी है और बहुत जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करेंगे। कितने दिन हो गए आपको हड़ताल करते? आज 15वां दिन है, 28 अगस्त से हमारी हड़ताल चालू है। अभी कितने दिन और चलने की उम्मीद है? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। आप बैठे रहेंगे? ओके। आपका नाम बताइए। धर्मेंद्र चौबे, जिला अध्यक्ष पटवारी संघ देवास। थैंक यू। थैंक यू।